अस्सलामु अलैकुम, एम उस्मान इन्फो ऑनलाइन की एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। वो लोग जो कि यूएई में विजिट वीज़ा लेकर आते हैं और स्पेशली 2 मंथ का विजिट वीज़ा लेकर आते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं यूएई में आने के बाद, जिसकी वजह से उनको जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। तो इस वीडियो में आपको इस हवाले से इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। शॉर्ट सी वीडियो है, वीडियो को आपने पूरा देखना है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी इनेबल कर दें, ताकि इसी किस्म की मजीद मालूमाती वीडियोस आपको पहुंचती रहें। तो दोस्तों, जब 3 महीने का विजिट वीज़ा बंद नहीं हुआ था, तो उस टाइम आपको पता होगा कि आप अगर 1 मंथ का यूएई का विजिट वीज़ा लेकर आते थे, तो आपका वीज़ा ख़त्म होने के बाद 3 दिन आपको एक्स्ट्रा से मिलते थे, और 3 महीने का विजिट वीज़ा जो 90 डेज वाला विजिट वीज़ा होता था, उसके ऊपर आप यूएई में विदाउट किसी फाइन के 100 डेज यानी कि 100 दिन अपने विजिट वीज़ा से आप 10 दिन एक्स्ट्रा भी रह सकते थे, आपको जुर्माने का सामना नहीं करना पड़ता था। लेकिन अभी 2 महीने के विजिट वीज़ा में आपको किसी भी किस्म का ग्रेस पीरियड नहीं मिलता, बल्कि आपके पूरे 60 दिन जिस दिन कंप्लीट होते हैं उसी दिन से आपको विजिट वीज़ा की एक वार्निंग आती है। लेकिन चूँकि आपके पास वो विजिट वीज़ा के बारे में किसी भी किस्म का कोई प्रूफ नहीं होता, कोई आपने अपना फ़ोन नंबर वहाँ पर रजिस्टर नहीं किया होता, जिसकी वजह से आपको नहीं पता होता, और 60 दिन पूरे होने के दूसरे दिन से आपको जुर्माना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे यूएई के अंदर मौजूद हैं, मैंने खुद उनके वीजा को चेक किया है, उनके 60 दिन पूरे होने के बाद से ही उनका जुर्माना स्टार्ट हो जाता है, और वो अपनी तरफ से ये समझ रहे होते हैं कि उनको यूएई की तरफ से 10 दिन का ग्रेस पीरियड मिला है, वो इन 10 दिन के अंदर अंदर अपना वीजा स्टेटस चेंज कर लेंगे या यूएई को एग्जिट कर देंगे। लेकिन दोस्तों, चूंकि उनको इस चीज़ के बारे में मुकम्मल आगाही नहीं होती, जिसकी वजह से उनके ऊपर जुर्माना आ जाता है, और अभी जो ट्रैवल एजेंट्स कर रहे हैं कि जो लोग भी यूएई में अपना वीज़ा का टाइम के अंदर अंदर स्टेटस चेंज नहीं करते, तो उनको अपसोंडिंग कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आपके लिए और भी मुश्किलात बन रही हैं। तो मैं आपको एडवाइस देता हूँ, अगर आपका कोई दोस्त यूएई के अंदर आना चाहता है या ऑलरेडी मौजूद है 2 महीने के विजिट वीज़ा में, उसके साथ भी ये वीडियो लाजमी शेयर करें। उसको बताएँ कि अगर उसका 2 महीने का विजिट वीज़ा है तो उसमें अभी ग्रेस पीरियड नहीं होगा, 60 दिन के अंदर अंदर कोई काम तलाश कर लें, वीज़ा स्टेटस चेंज कर लें, वीज़ा रिन्यू कर लें या वापसी कर लें, ताकि आपको जुर्माने का सामना न करना पड़े। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है लाइक करना ना भूलें। इसी किस्म की मजीद मालूमात वीडियोस के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।